गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था पॉलिटिकल के अंदर, भारत का संविधान। उसमें हम पढ़ रहे थे भारत के संविधान के अंतर्गत उसके प्रमुख आयाम, जिसमें हमने तीन पॉइंट पढ़ लिए थे। पहला संघवाद, दूसरा संसदीय शासन प्रणाली और तीसरा पढ़ा था शक्तियों का बंटवारा। आज हम उसका चौथा और महत्वपूर्ण आयाम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इसका संबंध रखता है मौलिक अधिकारों से। भारत के संविधान के अंदर भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। ये मौलिक अधिकार जो हैं, यह हमारे भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में हैं, अर्थात इसे अंतरात्मा कहा गया है। उपनिवेशों के शासनकाल में राष्ट्रवादियों को राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा हुआ। इस कारण राष्ट्रवादियों ने क्या किया कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ लिखित अधिकार, जिसे कि हमने मौलिक अधिकार कहा, उसकी उनको दिमाग में एक मांग पैदा हुई। और यही कारण है कि मौलिक अधिकारों से देश के सभी नागरिकों को राज्य के सत्ता का दुरुपयोग या मनमाने ढंग से या निरंकुश इस्तेमाल से उसको बचाने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। संविधान और राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं हमारे ये मौलिक अधिकार। आप सभी जानते हैं भारत में अनेक प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के नाम से अगर हम बोलें, जो बहुत संख्या में होते हैं। कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनकी संख्या कम है, तो अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में उनको भी अधिकारों में सम्मिलित किया जाए, जिससे उनके समूह की रक्षा हो सके। यानी बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के तहत भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का स्वरूप वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला तो प्रत्येक नागरिक को ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा अधिकार उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसने ये कानून बनाने का जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार के अलावा हमारे संविधान के खंड के अंदर कुछ नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। संविधान सभा के सदस्यों ने इससे खंड को इसलिए जोड़ा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार किया जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी करने वाले कानून और नीतियों को बनाते समय सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में रखकर अपने सामने रखें और उसी के अनुसार कानून और नीतियाँ बनाएं। मौलिक अधिकार हमारे यहाँ नीले बॉक्स में दिए गए हैं। बच्चों, मैं बताने जा रही हूँ, हमें 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले आता है मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर जाति, धर्म, लिंग के आधार पर सभी नागरिकों को समान माना गया है। कोई भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। भारत के अंदर रहने वाले सभी लोग देश के अंदर समान समझे जाएंगे, सभी के लिए समान कानून होगा, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे कोई सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ पर सबको पहुँचने का अधिकार है, कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा अधिकार होता है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का, भाषण देने का, सभा या संगठन बनाने का, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का, किसी भी स्थान पर आने जाने का, कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम धंधा कारोबार करने का स्वतंत्र अधिकार होता है। तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता है। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, यानी मनुष्यों का व्यापार करना, मनुष्यों को बेचना खरीदना, जबरिया श्रम, अर्थात किसी से ज़बरदस्ती आप कोई काम नहीं करा सकते, और 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना, उनसे श्रमिक के रूप में कार्य करवाना, ये सब क्या है, अपराध की श्रेणी में रखा। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर भारत के सभी नागरिकों को कोई सा भी धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है।
वह अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है, त्यौहार मना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी भी धर्म को बदल सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है, उसे पूर्ण अधिकार होता है। पांचवा आता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। मान लीजिए कि हम राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान में तेलुगु भाषा तो नहीं बोली जाती, और कल को कोई तेलुगु राज्य का आके यहाँ पर कोई एक तमिल भाषा में तेलुगु भाषा का कोई विश्वविद्यालय महाविद्यालय खोलना चाहता है, या हम जाके वहाँ हिंदी विश्वविद्यालय खोलना चाहता है, तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक, और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की अपनी शैक्षणिक संस्था खोल कर उससे ज्ञान अर्जन कर सकता है और दे सकता है। और एक लास्ट जो है, इन सब पाँचों जो मौलिक अधिकार है उससे संबंधित ही है ये संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि कोई नागरिक को लगता है कि उसके साथ किसी भी प्रकार के पांचों ऊपर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका किसी ने उल्लंघन किया है, तो वह अधिकार का सहारा लेके अदालत जा सकता है, दावा प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही साथ में ये भी बताया गया है यहाँ लेसन में कि निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, आपको मैं बताती हूँ। जैसे आपका 13 साल का बच्चा अगर किसी जगह काम कर रहा है तो कौन सा अधिकार आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हुआ है। कोई भी राज्य का नेता दूसरे राज्य के नेता को अपने काम से रोकता है तो किसका स्वतंत्रता का क्या हुआ है, अधिकार का हनन हुआ है। फिर लिखा हुआ है तेलुगु भाषा का माध्यम का स्कूल खोलना चाहता है तो ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन यहाँ पर हुआ है। इसी तरह सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को पदोन्नति नहीं देती है क्योंकि वह महिला है, तो ये क्या है, समानता के अधिकार का उल्लंघन यहाँ पर हुआ है। आगे पढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट जो हमारा है, लास्ट पॉइंट है लेसन का, वो है धर्म निरपेक्षता। आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा ये वर्ड, भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों को पूरी मान्यता दी गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत राष्ट्र में किसी को भी अधिकृत रूप से धर्म को राजनीतिक धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दिया गया है। यहाँ पर ये बात है कि प्रत्येक राष्ट्र, हमारे राष्ट्र में किसी भी धर्म को कोई मान्यता नहीं दी गई है। सब व्यक्ति अपना धर्म मान सकते हैं, कोई भी धर्म मान सकते हैं, हमारे लिए सभी धर्म बराबर है। भारत के अंदर देश का संविधान कैसा हो, किसी भी देश का संविधान कैसा हो, संविधान जो है उन आदर्शों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार कर, अर्थात जो हमारे सपने हैं, जो हम सोचते हैं, जो आदर्श हमारे लिए है, वो तय करने में संविधान क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे फुटबॉल के नियम बदलते हैं तो वैसे ही खेल पूरी तरह बदल जाता है। इसी तरह जो संविधान में कोई भी संशोधन होता है या उसमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। जैसे आपने इसी लेसन में पढ़ा था कि जब नेपाल के अंदर कुछ संविधानों के अंदर परिवर्तन करने की मांग हुई और वहाँ पर नया संविधान बदला तो लोकतांत्रिक समाज बनाने की जरूरत के साथ एक नए संविधान की जरूरत पैदा हुई और वहाँ पर नेपाल के शासन करने के तरीके ही बदल गए। हमने इस लेसन के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के भारतीय संविधान के आयामों का जिक्र किया है। कई बार काफ़ी जटिल ये हमें दिखाई देते हैं, समझने में मुश्किल हुई है, लेकिन हम धीरे धीरे करके संविधान के बारे में और भी जानकारियाँ अपनी आगे की पुस्तक में तथा अन्य कक्षाओं में प्राप्त करते रहेंगे। हमारे संविधान के अंदर मूल अधिकारों के साथ कुछ मूल कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। कहते हैं ना, जहाँ अधिकार प्राप्त होते हैं तो जो हम अधिकार प्राप्त करने के हकदार हैं तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे भी नागरिक होने के कारण होती है, तो हमारे उन अधिकारों को प्राप्त करने के साथ कुछ कर्तव्य निभाने का भी समय होता है। तो हमारे जो संविधान है उसके अंदर कुछ कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है जो हम आपको आने वाले समय में पढ़ाई के साथ साथ बताते चले जाएंगे। इस प्रकार से आज हमारा ये लेसन हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पर कुछ अभ्यास के लिए दिए गए हैं प्रश्न, उनके बारे में मैं आपको अपने लेसन में पढ़ा था। साथ ही साथ कुछ शब्दों के बारे में बताना चाहूँगी, जैसे
आपका यहाँ पे शब्द आया है, एक निरंकुश शब्द आया है। निरंकुशता क्या होती है? इसका मतलब होता है सत्ता और अधिकारों के पूरे और अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से। यानी जो भी व्यक्ति अपने अधिकारों का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है उसको बोलते हैं निरंकुशता, मतलब उस पर कोई अंकुश नहीं होता है। एक होता है मनमानापन, वो होता है जब सब कुछ किसी व्यक्तिगत फैसलों या पसंद नापसंद से चलता है तो उसे हम कहते हैं मनमानापन। जहाँ कोई नियम तय नहीं होते, जहाँ कोई कोई भी निर्णय लिया जाता उसका कोई आधार नहीं होता तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मनमाना कहते हैं। आदर्श क्या होते हैं? एक आदर्श शब्द आया है जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है, जिसे सब लोग अच्छा समझते हैं, जिसे सब लोग अपनाने के लिए तैयार होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श। जैसे कि कोई व्यक्ति आपके लिए आदर्श होता है, कोई बात आपके लिए आदर्श हो सकती है। ऐसी होती है राज्य व्यवस्था, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। इसका आशय होता है एक ऐसे समाज से जिसकी रचना या संरचना, राजनीतिक संरचना व्यवस्थित होती है। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। फिर एक शब्द आता है संप्रभु। इस अध्याय के अंदर स्वतंत्र जनता को ही क्या कहा गया है, संप्रभु कहा गया। अब एक शब्द मैंने बोला था कि मानव व्यापार पर रोक लगाता है, मानव व्यापार पर रोक लगाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मानव व्यापार क्या होता है? जब देश की सीमाओं के आर पार विभिन्न चीज़ों की गैर कानूनी खरीद